दोस्तों, ओपनिंग ट्रैप के बारे में हम लोग देख रहे हैं अभी। मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ ओपनिंग ट्रैप्स दिखाई थी। आज से हम हर एक ओपनिंग मतलब ओपनिंग की जो लाइन है, आज तक जितने वीडियो आपको सिखाए मैंने, उसी ओपनिंग के ऊपर कुछ ओपनिंग ट्रैप्स भी होती है। अब ट्रैप्स इसलिए देखना जरूरी है कि कहीं भी आप ओपनिंग करते समय शुरुआत में फंस नहीं जाओ। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको सेंटर गेम के बारे में। इन बिटवीन मूव, इंटरमीडिएट मूव भी बोलते हैं उसमें, सेंटर गेम में इंटरमीडिएट मूव का यूज करके कैसे ओपनिंग ट्रैप्स होती है। तो शुरू करते पहले e4 e5 वाली लाइन में। अब d4 ये एक अटैकिंग लाइन है। d4 में e टेक्स d4, क्वीन टेक्स d4, फिर g7 पे जब क्वीन का अटैक है तो यहां पे ब्लैक खेलता है नाइट f6 और व्हाइट रिप्लाई देता है बिशप g5, सॉरी बिशप टू g5। ओके, यहां पे व्हाइट नाइट को पिन कर देता है। अब ये जो पहली वाली ट्रैप है दोस्तों, इसी ओपनिंग में अलग अलग बहुत सारे ट्रैप्स हैं। तो इतने मूव्स के बाद व्हाइट बिशप से नाइट को पिन करता है और ब्लैक उसे पिनिंग में से फ्री करता है। अब यहां पे व्हाइट e5 अर्ली अटैक करता है। आइडिया क्या है कि नाइट मूव करेगा और सेंटर पे आपका अटैक रहेगा, लेकिन व्हाइट ने ब्लैक की एक मूव ओवरलुक की है जो नाइट c6। चलिए, अब ये पोजीशन आ गई। अब ब्लैक से अगर आप खेलते हो तो इसके बाद कंप्लीटली ब्लैक विनिंग है। अब कैसे विनिंग है? यहां पे नाइट क्वीन पे अटैक कर रहा है और ये पॉन पे भी अटैक है, तो यहां पे शुरुआत में ही आप पॉन प्लस हो जाते हो या फिर बहुत बड़ा पीस भी मिल जाता है। तो कैसे मिलेगा इसके बाद? ब्लैक के पास टोटल तीन ऑप्शन है। एक तो है क्वीन c3, पहला ऑप्शन। क्वीन c3 में पिन हो जाती है क्वीन और सिंपल क्लियरली ब्लैक इज विनिंग। अच्छा, दूसरा ऑप्शन जो है क्वीन e3। अगर व्हाइट क्वीन e3 करता है यहां से बचने के लिए, तो नाइट g5, बिशप टेक्स e7, क्वीन टेक्स e7, क्वीन e4 और नाइट क्रॉस e5, यहां भी आप पॉन प्लस हो जाते हो। तो क्लियरली ओपनिंग में ही आपको सिंपल पॉन मिल जाता है या तो फिर पीस मिल जाता है। ओके, थर्ड ऑप्शन देखते हैं। यहां पे अगर क्वीन f4 जाता है, तीसरा ओपन जो मूव है वो क्वीन f4। क्वीन f4 में आपको सिंपल नाइट h5 करना है। आफ्टर बिशप टेक्स क्वीन गोज एनीवेयर, देन क्वीन टेक्स e5 और यहां भी आपको पीस पॉन मिलता है। तो ये थी पहली ट्रैप जो ब्लैक की ओर से है। चलिए, व्हाइट में भी ऐसी ट्रैप है इसी लाइन में, वो भी देख लेते हैं। अगर ब्लैक यहां पे मान लो कि Nf6 नहीं करता है, पहले नाइट से सिक्स करता है, तो यहां पे क्वीन a4, नाइट f6, Nc6, d5, बिशप g5, पॉन टेक्स पॉन, नाइट टेक्स पॉन, क्वीन e7। अब यहां पे देखो, व्हाइट ने व्हाइट का नाइट पिन हो गया है और दो दो अटैक भी है। नेक्स्ट मूव में क्वीन टेक्स नाइट हो रहा है। ओके, ये पोजीशन जो है यहां पे पीस सेक्रीफाइस, यहां पे आपको करना है लॉन्ग कैसल। अब ब्लैक नाइट से नाइट नहीं मार सकता, लेकिन क्वीन टेक्स नाइट मार। चलिए, ये बहुत ही ब्लंडर मूव है। यह सिंपल व्हाइट विन है। वीडियो पॉज करके आप 2 मिनट सोचिए, आपको भी मूव मिल जाएगा। क्वीन लेना है हमें, तो ये नाइट पिन होना जरूरी है, तो हम यहाँ पे रुक सैक्रिफाइस करेंगे। अब नाइट भी पिन है तो कंपलसरी किंग टेक्स रुक, देन क्वीन टेक्स क्वीन। तो ये थी दूसरी ट्रैप व्हाइट की साइड में। थर्ड ट्रैप इसी लाइन में। दोस्तों, एक ही ओपनिंग में जितने भी ट्रैप्स है हम उसी के बारे में सारे डिस्कस कर लेंगे।
चलिए यहाँ पे एक और भी है, जैसे कि नाइट सी सिक्स में वाइट कभी कभी क्वीन ई थ्री भी करता है, तो यहाँ भी एक ट्रैप है। क्वीन ई थ्री के बाद ब्लैक खेलेगा जी सिक्स, नाइट सी थ्री, बिशप जी सेवन, नाइट डी फाइव, नाइट डी सेवन, एन बी डी टू, डी सिक्स, बिशप डी टू। अब ये देखो, एक पॉन बी टू पे हम दे रहे हैं सेक्रीफाइस। वैसे तो ब्लैक को लेना लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बिशप बी टू किया तो यहाँ पे बिशप सी थ्री आएगा, आफ्टर बिशप टेक्स ए वन मेट इन टू मूव्स है, नाइट एफ सिक्स चेक, देन क्वीन एफ सिक्स चेक। तो ये थी हमारी थर्ड ट्रैप। यहाँ पे देखो दोस्तों, एक और ट्रैप है। सेंटर गेम में जितनी भी ट्रैप है सारे मैं आपको दिखा दूंगा। एन सी सिक्स, क्वीन ई थ्री, एक ब्लैक अगर चेक दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ सिंपल सी थ्री, बिशप ए फाइव, बिशप सी फोर, नाइट जी ई सेवन, क्वीन जी थ्री, कैसल एच फोर, नाइट जी सिक्स, एच फाइव, एन जी ई फाइव। अब देखो, ये सारे मूव जो भी मैंने बताए सभी नेचुरल मूव हैं। यहाँ पे बिशप जी फाइव, अब देखो क्वीन के पास एक ही स्क्वायर है, क्वीन ई एट, और नाइट इंटरपोज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनी सेवन में क्वीन टेक्स ई फाइव पीस मिल जाता है, तो क्वीन ही एक फोर्स मूव। बिशप एफ सिक्स फिर चेकमेट की थ्रेट है, जी सिक्स आफ्टर पॉन टेक्स पॉन। अब देखो यहाँ पे एफ सेवन पॉन पिन है, तो अगर पॉन टेक्स पॉन किया तो रुक एच एट मेट, इसलिए नाइट टेक्स पॉन, और यहाँ मेट इन थ्री, क्वीन टेक्स नाइट, पॉन टेक्स क्वीन, देन रुक एच एट चेकमेट। तो एक ये भी ट्रैप है। अब ऐसे ही ट्रैप मैं आपको इसी लाइन में ब्लैक की ओर से बताऊंगा। देखो यहाँ पे हम देखेंगे, बोर्ड को फ्लिप कर देते हैं। एक ही गेम में आपको ये है फिफ्थ ट्रैप, नंबर फिफ्थ लिख लीजिए। पूरे वीडियो में बहुत सारे ट्रैप्स मुझे कवर करने हैं। अब ये है फॉर्क के बारे में। नाइट फॉर्क सबने सुना होगा कि नाइट डबल पीस पे अटैक करता है, उसे कहते हैं नाइट फॉर्क। ई फोर ई फाइव पहले मूव कॉमन है, डी फोर टेक्स, देन क्वीन टेक्स, देन यहाँ पे नाइट से सिक्स कॉमन है, क्वीन ई थ्री भी कॉमन है, नाइट एफ सिक्स, यहाँ पे बिशप चेक के बजाय हम खेलेंगे ब्लैक से नाइट एफ सिक्स। अब ये आप ब्लैक से ट्राई कर सकते हो। देखो जो भी ट्रैप पूरी देखने के बाद आपको किस लाइन से खेलना है, व्हाइट से है या ब्लैक से, पता चल जाएगा। आप उसी प्रकार तैयारी कीजिए। क्वीन ई थ्री, उसके बाद नाइट एफ सिक्स, व्हाइट खेलेगा यहाँ पे बिशप सी फोर, किंग साइड के पीसेस को डेवलप करने के लिए। यहाँ पे आपको खेलना है नाइट ई फाइव। अब ये बिशप पे अटैक करेंगे, बिशप बी थ्री वेटिंग मूव है। यहाँ आपको खेलना है बिशप बी फोर चेक, व्हाइट खेलेगा सी थ्री, और यहाँ पे बिशप सी फाइव। अब देखो क्वीन पे अटैक है, और यहाँ पे कंपलसरी आपको क्वीन मिल जाएगी। जैसे कि क्वीन यहाँ पे जा नहीं सकती, क्वीन टेक्स बिशप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाइट डी थ्री चेक से आपको यहाँ पे फोर्क में क्वीन मिल रही है। तो क्वीन जाएगी सपोज जी थ्री पे, तो यहाँ आपको कर देना है बिशप सेक्रीफाइस, बिशप एफ टू। अब देखो दोनों ओर से क्वीन मिल रही है, बिशप टेक्स क्वीन, बिशप टेक्स किंग। तो यहाँ पे व्हाइट अगर क्वीन टेक्स बिशप खेल रहा है, तो सिंपल नाइट डी थ्री फोर्क आ रहा है और आपको यहाँ पे क्वीन मिल जाएगी। और अगर व्हाइट ने किंग टेक्स बिशप किया तो यहाँ पे नाइट ई फाइव फोर्क में क्वीन मिलेगी। तो ये थी हमारी फिफ्थ ट्रैप। ये सारे ट्रैप देखने के बाद आप ओपनिंग में किसी भी ट्रैप में फंसोगे नहीं, क्योंकि आपने एक बार ये ट्रैप्स देख लिए तो जो भी ओपनिंग आप खेलते हो उसमें आप फंसोगे नहीं। यहाँ पे ये लास्ट ट्रैप है दोस्तों, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सेंटर गेम के ही बारे में है। यहाँ पे ई फोर ई फाइव, वाइट डी फोर, ई टेक्स डी फोर, क्वीन टेक्स डी फोर। हालांकि हम डेनिश गैम्बिट खेलने अगर जाए तो क्वीन के बदले हम यहाँ पे सी थ्री कर सकते हैं,
डेनिश गैम्बिट के बारे में भी मैं वीडियो आपको बना के बताऊंगा। बहुत ही बढ़िया ओपनिंग है, अटैकिंग है, लेकिन पॉन सेक्रीफाइस करना है शुरुआत में, पर अटैक आपका मेंटेन रहना चाहिए। चलो क्वीन डी फोर, उसके बाद ब्लैक खेलेगा नाइट से सिक्स, यहाँ पे जो एज यूजल मूव है। क्वीन ई थ्री ये बेस्ट चॉइस होती है, ब्लैक खेलता है नाइट एफ सिक्स, यहाँ पे नाइट सी थ्री, ब्लैक डेवलप करेगा बिशप ई सेवन, यहाँ आपको करना है बिशप डी टू, ब्लैक खेलेगा डी फाइव, ई टेक्स डी फाइव, और यहाँ पे नाइट बी फोर, फॉर्किंग द पॉन, और सी टू पे भी अटैक है। तो ये यहाँ पे वाइट से आपको खेलना है लॉन्ग कैसल, लॉन्ग कैसल के बाद एंड एफ क्रॉस डी फाइव, नाइट क्रॉस डी फाइव, और नाइट क्रॉस ए टू चेक, किंग बी वन, और यहां पे क्वीन टेक्स डी फाइव। अब आपके नाइट पे सपोर्ट भी आ रहा है, व्हाइट खेलेगा बी थ्री, नाइट बी फोर, नाइट को सेव कर रहा है, और यहाँ पे क्वीन सैक्रिफाइस, क्वीन टेक सी सेवन, किंग टेक सी सेवन, और उसके बाद बिशप टेक्स बी फोर, डबल चेक, डिस्कवर चेक, और आपको किंग मिलती है, क्वीन वापस मिलती है, किंग ई सिक्स, देन बिशप सी फोर, पिनिंग। तो इस प्रकार इस गेम का एंड कर सकते हो, वाइट से आप अच्छी तरह से गेम खेल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और भी बहुत सारे ट्रैप्स, जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।